गाड़ी में आते हो, ट्रेन में आते हो और बाइक पे आने में ना बहुत फ़र्क पड़ता है। बाइक पे जब भी आते हो यू कैन गेट द फर्स्ट हैंड फील ऑफ एवरीथिंग दैट सराउंड यू। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे ये ट्रक पलटी हो गया। वैसे ये रोड काफ़ी छोटा है और काफ़ी स्मूथ होने की वजह से, स्लोप्स होने की वजह से गाड़ियाँ बहुत तेज़ आती है। ये अभी मैंने दूसरा एक्सीडेंट देखा एक किलोमीटर के डिस्टेंस पे, दिस इज द थर्ड वन। हम भी थोड़ा संभाल के चलाते हैं यहाँ पे, अननेसेसरी टेंशन नहीं लेने का क्या। गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल। अभी भी हम गोकर्ण में है और प्लान ये है कि अभी 6 बजे हमें निकलना था फॉर गोवा। प्रॉब्लम नहीं बोल सकते हैं, द थिंग इज़ द मौसम बदल चुका है, आप देख सकते हो। रात भर यहाँ से बारिश हो रही है, जोर की नहीं है, हल्की बारिश है, लेकिन सब भीग चुका है और मैं थोड़ा सा बोला लेट करता हूँ ताकि विजिबिलिटी अच्छी हो। तो कल हमने वीडियो क्लोज नहीं कर पाए, कल हम गए थे गोकर्ण के मंदिर में, महाबलेश्वर मंदिर हमने दर्शन लिए, लेकिन तभी कैमरा नहीं होने के वजह से, क्योंकि अचानक प्लान हो गया। 3 दिन से हम सोच रहे थे जाने का, लेकिन इधर उधर इतनी भीड़ थी, हम सोच रहे थे कल जाए, तो आखिर हमने कल दर्शन कर लिए हैं और महादेव का आशीर्वाद लेके अभी हम निकल रहे हैं थोड़ी देर में। अभी मैं तैयार होता हूँ, बैग लोड करता हूँ और फिर निकलता हूँ। गाइस सुबह के 7:30 बज चुके हैं, इनिशियल प्लान वो 6 o'clock निकलने का, बट बारिश वरिश की वजह से रुकना पड़ा। तो अभी धूप निकल चुकी है, आप देख सकते हो। तो आई एम स्टार्टिंग नाउ, वी आर गोइंग टू गोवा। इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 5 hours and 3 minutes, 208 kilometers फ्रॉम हियर। तो चलो अभी निकलते हैं हम लोग। गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति भोरिया, बोलो अम्बरनाथ की जय, हर हर महादेव। सब एक बार ये आखिरी बार देखो ये व्यू यहाँ से। गाइस अभी हम ये मेन रोड पे आ चुके हैं, पता नहीं ये गूगल ने इतना घूम घूम के क्यों लेके आया, जबकि हमारे जहाँ पे हॉस्टल है वहाँ से स्ट्रेट रोड है यहाँ पे आने के लिए, और वो भी कच्चे रास्ते से लेके आई। ये गूगल ना कभी कभी दिमाग का बैंड बजा देती है। तो चलो कोई नहीं, अभी हम गोकर्ण से बाहर निकल रहे हैं, हल्की हल्की धूप है, बारिश तो रात भर गिरी, काफ़ी गरज रहा था, मतलब गरज की वजह से ही मैं रात को मेरी नींद खुल गई, नींद भी इसके लिए पूरी नहीं हुई बराबर। तो अभी हम थोड़ी देर में मेन हाईवे को टच करेंगे। गाइस अभी हम हाईवे कनेक्ट हो चुके हैं, दिस इज़ NH 66, और हम ये रोड से नहीं आए थे, हम बराबर सामने की तरफ से जंगल के रास्ते से आए थे, आपने देखा होगा पिछले ब्लॉग में। तो अभी ये सीधा हाईवे हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं और मोस्ट प्रॉब्ली ये पूरा हाईवे टू हाईवे ही रहेगा अगले 43 किलोमीटर्स तक। हम तो यहीं पर, जब भी हम किसी दूसरे हाईवे पे कनेक्ट करेंगे या दूसरे रोड को कनेक्ट करेंगे हम तभी आपसे मिलते हैं। वैसे ये नज़ारा भी कोई बुरा नहीं है, काफ़ी खूबसूरत है, मैं बोलूँगा कनाडा का में काफ़ी खूबसूरत है नज़ारे, दोनों तरफ काफ़ी हरियाली है, हल्की सी गर्मी है बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी, जो रात को बारिश हुई थी उसकी वजह से ह्यूमिडिटी हुई है, बट अभी हाईवे पे है, हवा लग रही है, तो चलो कोई नहीं, अच्छा लग रहा है अभी। सो गाइस दिस इज गंगावली रिवर, ये उसके ऊपर वाला ब्रिज है, काफी चौड़ी है नदी और बह भी रही है, पानी अच्छा खासा है। नदी के पास में ये गांव है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, एकदम ओल्ड स्टाइल है, जहाँ पे ये मैंगलोर टाइल्स है उस पर कहाँ कहाँ पे नारियल के पत्तों उनके शेड बनाए हैं। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे
ये ट्रक पलटी हो गया। वैसे तो ये रोड इतना है नहीं कि यहाँ पे पलटी हो जाए, लेकिन तो गाइस ये हाईवे का अभी भी काम चल रहा है, मतलब बीच में ये पुराना रोड है, बीच बीच में ये डबल लेन रोड है, छोटे छोटे पैचेस है बीच बीच में, और बहुत जल्दी ये काम हो जाएगा क्योंकि आप देख सकते हो राइट में ये यहाँ से ये हाईवे जाने वाला है और ये उसके बगल में ही ये पुराना रास्ता है। तो गाइस अभी हम कारवार पहुँच चुके हैं और यहाँ पे वापस छोटा रोड है, राइट साइड में हाईवे बन रहा है। एक बार ये हाईवे रेडी हो जाएगा ना तो ये ट्रैवल काफ़ी अच्छा हो जाएगा, काफ़ी फास्ट हो जाएगा। अभी हम ढूंढ रहे हैं चाय की दुकान, काफ़ी टाइम से मैं ढूंढ रहा हूँ यार, चाय भी नहीं है, सुबह से कुछ खाया नहीं है। मैं सुबह 5 बजे उठा हूँ और बारिश की वजह से डिले हो गया, नहीं तो अभी तक हम आधा से ज़्यादा रास्ता क्रॉस कर चुके होते। तो गाइस आप देख सकते हो सामने का नज़ारा, तो दिस इज कारवार, पूरा समुंदर है। अभी पीछे जाएंगे हम तो दिखेगा नहीं क्योंकि बिकॉज ये लेफ्ट साइड में उन्होंने बैरिकेड्स मतलब ये लगाए हैं, दीवार है। तो गाइस अभी हमें यहाँ पे ये होटल लिखा, शायद से यहाँ पे चाय मिल जाएगी। वी हैव डन सम क्लोज टू 35 किलोमीटर्स। तो चलो गाइस चाय पी के हो गया, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, हम निकलते हैं यहाँ से। अभी भी 119 किलोमीटर्स है और दिखा रहा है कि इट विल टेक 3 आवर्स फॉर अस टू रीच गोवा, दैट इज़ आवर हॉस्टल। इस बार भी हम हॉस्टल में रह रहे हैं गोवा में। मेक सेंस, अगर आप अकेले रह रहे हो तो आपको इतना रूम की ज़रूरत नहीं है और यू गेट कनेक्टेड टू लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल अराउंड द प्लेसेस फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, थोड़ा मज़ा भी आ जाता है। मेरे को लेफ्ट साइड में दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कारवार, अभी भी हम कारवार में ही हैं। ये बीच का नाम मुझे मालूम नहीं है लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे शिप बिल्डिंग वगैरह के यूनिट्स हैं आसपास में। पीछे भी एक बड़ी सी शिप, ह्यूज शिप, उसका ड्राई डॉक में काम चल रहा था कुछ। प्रभु ब्रेकर आया, तो ये कनाडा में कुछ लिखा है, दिस इज डेफिनेटली रविंद्रनाथ टैगोर, शायद से ये वही उन्हीं के नाम से गार्डन होगा क्योंकि अगर उनका स्टैचू गेट के पास है। क्वाइट ब्यूटीफुल बट ह्यूमिडिटी बहुत है यहाँ पे, कल जो बारिश हुई थी और अभी धूप निकली है तो काफ़ी ह्यूमिडिटी होगी। लेट्स होप सो गोवा में बारिश नहीं हुई होगी। वैसे तो हमने एसी डॉर्मेटरी ली है वहाँ पे। यस इट इज रविंद्रनाथ टैगोर गार्डन, अभी देखा है पीछे इंग्लिश में लिखा था, दिस इज वन ऑफ द शिप, पेट्रोल शिप है, फ्रेटर या डिस्ट्रॉयर मुझे पता नहीं एग्जैक्टली हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस टू शिप्स, बट या इट इज फाइटर शिप, फाइटर इज इन वॉरफेयर में यूज करने वाली। तो गाइस ये व्यू देखिए, दिस इज काली रिवर, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। और ये सामने पहाड़ी पे ये कुछ घर बना है जो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ये आके समुंदर को मिलती रहेगी, आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में वहाँ पे सैंड ड्यून्स जैसे फॉर्म हुए हैं, ये इसी वजह से।
प्रॉब्ली ये बॉर्डर है कर्नाटका एंड गोवा की, देखते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। वेलकम टू गोवा, हम देख सकते हैं दिस इज द बॉर्डर। तो अभी हम ऑफिशियली गोवा एंटर कर रहे हैं। दिस इज द पुलिस चेक पोस्ट। गाइस, हम गोवा में फाइनली आ चुके हैं, द लैंड ऑफ जॉय। तो चलो मिलते हैं आगे। ये लेफ्ट साइड में जो रास्ता जाता है ये पालोलिम बीच है। सो दिस इज द फर्स्ट बीच व्हेन यू एंटर गोवा फ्रॉम कर्नाटका साइड। तो यहाँ से मुंबई है 581 किलोमीटर्स। और ये देखिए लेफ्ट साइड में कलबाग नेशन बीच, यहाँ पे भी ये बैकवाटर्स है, कोई रिवर यहाँ पे आगे समुंदर को मिलती है और इसी वजह से ये बड़े सैंड ड्यून्स हो गए। तालकोना ब्रिज, राइट में आप देख सकते हो ये ट्रेन जा रही है। ये रोड काफी छोटा है और काफी स्मूथ होने की वजह से, स्लोप्स होने की वजह से गाड़ियां बहुत तेज आती है। ये अभी मैंने दूसरा एक्सीडेंट देखा एक किलोमीटर के डिस्टेंस पे। देखते हैं कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे, भूख लगी अभी। 9:30 हो रहे हैं, 9:24। अगर हम सुबह 6 बजे निकलते थे तो अभी तक पहुंच जाते थे, लेकिन क्या करें, बारिश ने सब पंगा कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे भी वैसी डेंस फॉरेस्ट चालू हो रहा है जैसे कर्नाटका में है, और बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा ग्रीन लग रहा है। देखिए दिस इज द थर्ड वन। हम भी थोड़ा संभाल के चलाते हैं, यहाँ पे अननेसेसरी टेंशन नहीं लेने का। क्या सो गाइस, अभी हमने यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लिया, थोड़ी प्यास लगी है, पानी पी लेता हूँ, फिर यहाँ से चलते हैं, थोड़ा स्ट्रेच भी कर लेता हूँ, भूख भी लगी है। वही अभी हम मडगांव में है, और यहाँ पे काफी ट्रैफिक है, डिस्टेंस ज्यादा नहीं, लेकिन बट देन इट इज शोइंग इट विल टेक 1 hour and 16 minutes और 51 kilometers। 15 kilometers हम 1 घंटे के अंदर करते हैं। गाइस ये घर देखिए, अभी ये गोवा वाली फील आने लगी है, टिपिकल ओल्ड स्टाइल। It's really beautiful. आप गाड़ी में आते हो, ट्रेन में आते हो, और बाइक पे आने में ना बहुत फर्क पड़ता है। बाइक पे जब भी आते हो यू कैन गेट द फर्स्ट हैंड फील ऑफ एवरीथिंग दैट सराउंड यू। सो गाइस पिछले कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफी जोरों शोरों से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, काफी सारे रोड ब्रिजेस बन रहे हैं। ये भी काफी खूबसूरत लग रहा है। ये राइट में जो है वो रेलवे ब्रिज है, और ये लेफ्ट में जो है ये नया ब्रिज है, और शायद से ये पुराना ब्रिज है। लुक्स ब्यूटीफुल। दोस्तों ये रोड है ना काफी काफी खूबसूरत बना है, मतलब तो काफी टाइम से मैं अभी चल रहा हूँ इस पर, ये बीच सिटी के बीच से ज्यादा है, ऊपर ऊपर से
सिटी ट्रैफिक से अलग थलग और बहुत मज़ा आ रहा है। तो 40 मिनट दिखा रहे हैं अभी हमें और डिस्टेंस ऑफ अराउंड 22 किलोमीटर्स। यहाँ पे रुका था थोड़ा पानी पीने के लिए और कुछ कॉल्स आए थे उनको अटेंड करना था। तो ऑलमोस्ट 15-20 मिनट हो गया ये होते होते। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। इट इज़ शोइंग 37 मिनट्स फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर्स। चलो फिर चलते हैं यहाँ से। अभी हमें पुलिस ने पकड़ा इधर के, 500 रुपये पेनल्टी लिया। हम उस तरफ से आए, वो ब्रिज के ऊपर कोई इंडिकेशन नहीं है, देयर इज नो वन इज सेलिंग। वो बोल रहे हैं कि उस तरफ कोई खड़ा है जो अलाउ नहीं करता है। चलो ठीक है। हमने हाईवे से अभी लेफ्ट लिया है। दिस रोड गोज टू कलंगूट एंड ऑल दोस बीचेस, कुंडलियम वगैरह जो भी है आसपास में। अभी भी ये 8.3 किलोमीटर्स के लिए 20 मिनट्स बता रहा है। इस रोड पे आऊँ ना तो सब पुरानी यादें ताज़ा होती है। लास्ट टाइम वॉज गया था वॉज इन December 2019। सुबह से हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच रहे हैं, बस एक मिनट लगेगा। यहाँ से हमको लेफ्ट लेना है। यहाँ से है लेफ्ट, सॉरी राइट। कहाँ है ये फुटलूस? यार ये फुटलूस किधर है? तो यहाँ पे है ये फुटलूस। सुबह शाम हो चुकी है और दोपहर को मैंने आराम किया, मतलब ऑफिस का काम भी किया। और दिस इज़ द प्लेस फुटलूस हॉस्टल। आप देख सकते हो काफ़ी लाइट है अभी इधर। सुबह को मैं अच्छी तरह से आपको दिखा दूँगा उजाले में। अभी बस निकल रहे हैं, थोड़ा सा आसपास में एक्सप्लोर करेंगे। हमारे जो दो दोस्त लोग हैं जो गोकर्ण में थे हमारे साथ, वो भी अभी गोवा आ चुके हैं। लोग ट्रेन से आए, हम लोग मैं बाइक से आ गया और उन्होंने अभी एक्टिवा हायर की है और वो निकल चुके हैं बीच की तरफ। वी आर एट रैकेटोर। तो यहाँ पे काफ़ी सारा चहल पहल नज़र आ रही है आपको। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो लाइट्स है।
अंधेरे में ज़्यादा दिखाई नहीं देता रहेगा, तो मैं अभी वीडियो बंद कर देता हूँ। हाँ, थोड़ा उजाला आ जाएगा या तो बीच पे थोड़ा लाइट रहेगा तो कोशिश करूँगा आपको दिखाने की। हम लोग वागतार बीच के तरफ गए थे, लेकिन हम लोग नहीं गए क्योंकि वहाँ से वो नीचे काफ़ी उतरना पड़ता है। तो अभी हम कुछ नई जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं। देयर इज़ वन फेमस रेस्टोरेंट गोवन फूड का, जिस रेस्टोरेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, दिस इज़ द आनंद बार सी फूड रेस्टोरेंट। दिस इज़ वन ऑफ द, यहाँ पे काफ़ी आपको अच्छा ऑथेंटिक गोवन सी फूड मिलेगा। मैंने काफ़ी सारे इसके रिव्यूज़ भी पढ़े हैं, पहले भी इसके यूट्यूब वीडियोज़ देखे हैं। तो अभी हम खुद अंदर जाते हैं और चेक करते हैं। So, please, आप देख सकते हो द एम्बियंस इज वेरी गुड, अभी अच्छी तरह से बना है, सिटिंग अरेंजमेंट है। इट्स वेरी क्लोज टू वेयर वी आर स्टेइंग, अराउंड 1.5-2 किलोमीटर पे जाएंगे। तो गाइस, हमने शेलफिश मंगाया, मैं शेलफिश नहीं खाता बट देन संदेश का ही फेवरेट है। दिस इज हाउ इट लुक्स। और ये क्या है? ये चनक, और ये चनक चनक करके फिश है। इवन आई एम नॉट अवेयर ये एग्जैक्टली क्या है, मैं पहली बार खाने वाला हूँ। सो गाइस, हम रिटर्न आ चुके हैं अपने हॉस्टल में खाना खा के। तो गाइस, मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।